हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती की सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतना स्वागत है कि क्या बताऊँ कितना स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, जहाँ चामुंडे माता रहती हैं और बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है और ये मैसूर में है। और उसके बाद हम आप लोगों को मैसूर में भी ले चलते हैं। आप लोग देख ही सकते हो, मतलब दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मंदिर में आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जहाँ रहते हैं बेंगलोर में, वहाँ से आने में हमें 3.5 घंटा यहाँ पे लग गया। थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी था, अच्छा लग रहा है। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और मंदिर की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है और इतनी खूबसूरती से ये मंदिर बनी हुई है ना कि देख के, अब तक जितने मंदिरें देखे बहुत ही सारे मंदिर एक खूबसूरत हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला, लगभग सारी मंदिरें एक जैसा ही बनावट है और देखने में बहुत खूबसूरत, ऊंचाई बहुत ज़्यादा हैं और ये काफ़ी ऊँचाई पहाड़ी पर बने हुए हैं मैसूर में। और ये माता चामुंडा देवी का मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु, ज़्यादातर कर्नाटक के लोग आते हैं, मतलब जो मतलब बोली भाषा बहुत ही कम समझ में आ रहा था। और उसके बाद में लाइन बहुत ही लंबी थी, हम लोगों का दर्शन वगैरह हो चुका था तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करके बाहर निकले तो थोड़ा सा बच्चे लोग थक गए थे, कुछ खाने पीने लगे और मैं यहाँ थोड़ा सा घूम के देख रही थी सारे चारों तरफ क्या था। और फोटोग्राफर घूम रहा था साथ में तो वहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो वोटो खिंचवाया, बढ़िया सा फ़ोटो क्लिक हुई और बड़ी सुंदर सुंदर फ़ोटो निकाल के सब दे रहे थे और 5 मिनट के अंदर दे रहे थे। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू है, मैं क्योंकि अभी इतना लंबा सफ़र मैं कभी घूमने नहीं गई हूँ। गई थी मतलब बहुत पहले एक बार मसूरी गई थी, वहाँ पर घूमना छोटे छोटे जगहों पर तो बहुत घूमा था, लेकिन बड़े मतलब इतने लंबे सब समय के लिए कि मतलब एक हफ्ता से पूरा मैं घूम रही हूँ तो ये मेरा पहली बार ही है, मैं एक हफ्ते से पूरा घूम रही हूँ। और उसके बाद हमने चामुंडा देवी मंदिर से निकल दिए हैं, अब चलते हैं हम लोग बहुत ही एक अच्छे से जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दिखने वाली है आप लोगों को। तो चलते हैं मैसूर पैलेस, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महल आप लोगों को देखने को मिलेगा और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जिसे पहाड़ काट काट के सब रास्ते बनाते हैं ना, तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी ऊँचाई से है। और छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम लोग देखते हैं ना, यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे थे, तो व्यू दिखाऊंगी थोड़ा सा ज़रूर आप लोगों को स्टार्ट लास्ट में। तो बादल यहाँ पे बहुत अच्छा, मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना कि आप देख सकते हो कि कितना सुहाना मौसम है। आप देख सकते हो ये घर दिख रहा है, छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, बिल्कुल झोपड़पट्टी दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती है और घूमने लायक जगह है। यहाँ पर मैसूर पैलेस एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, सभी लोगों को पता होगा मैसूर के बारे में। और यहाँ पे रहते हैं राजा जिनका नाम था टीपू सुल्तान, तो ये इसका गेट है, यहाँ पे एंट्री हो रही है। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बता दें, मंदिर से निकल के हम लोग सीधे यहीं पे आ गए हैं। तो जो बहुत सुंदर एरिया दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी खोल है तो सब लोग टिकट लेने के लिए वापस गए और धूप बहुत तेज है। फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर, चलते हैं, जो भी देखूँगी ना आप लोगों के साथ ज़रूर। और ये प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोगों को अंदर एंट्री करना है और मतलब बाहर से ही लग रहा है कितना अच्छा। ये चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया महल बना हुआ है, देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि मतलब इतना पुराना है। और वहाँ पे मैंने किसी से पूछा तो मुझे पता लगा कि मुझे ज़्यादा नहीं जानकारी इनके बारे में थी, तो पता चला कि मतलब अब यहाँ पर जो इनका कुल था अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, सब विदेशों में शिफ्ट हो गया। और जो टीपू सुल्तान थे उनकी बहुत कम आयु में, मतलब 38 वर्ष के आयु में ही उनकी अंग्रेज़ों द्वारा मृत्यु हो गई थी, बल्कि उनका जो तलवार आभूषण था वो अंग्रेजों ने अपने साथ ले गए थे और लंदन में उसकी लीलामी हुई थी उनके तलवार की। तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब वहाँ जाके ही पता चला। और बाकी ये तो कई सभी लोग 8वीं कक्षा में लगभग पढ़े ही होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और
यहाँ पे देखिए ये वाले जो खंभे हैं ना, इसमें सारे सॉन्ग निकलते हैं, जैसे सारे गामा का। एक खंभे पे आप जब हाथ रखते हो ना थोड़ी तेज़ी से, तो इसमें बहुत अच्छा सा सॉन्ग निकलता है सारे गामा। तो ये बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है फ्रेंड्स। और आज का वीडियो मैं सिर्फ इसी में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मतलब आप लोग कभी अगर बेंगलोर जाओ, और यहाँ से बेंगलोर से ये काफ़ी दूर पड़ता है, हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। मुझे थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने घड़ी तो नहीं देखा, लेकिन जब बाद में हमने सर्च किया तो इसको मतलब 135 किलो कुछ मीटर बेंगलोर से ये पड़ा। और ये हैं टीपू सुल्तान जी की बढ़िया सी बड़ी अच्छी सी मूर्ति बना के, और ईरानी महारानियों को जो आभूषण रखने वाला बॉक्स होता था वो सब बना के रखा है। सेना सब घोड़े पर सवार थे, खड़े थे, मतलब इन सब चीज़ों में ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल एकदम न्यू है। बट इतना पुराना महल इतना मैनेजमेंट करके रखना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है, कितने ऐसे सरकार खर्चे करते होंगे इन सब चीज़ों पे। और यहाँ पे ये जो तोप वगैरह रहते हैं, और ये गिटार कोई बीड़ा बजा रहा है, गिटार बजा रही है, पहले ज़माने में ये सब चीज़ें बहुत ही होते थे, राजा महाराजा के महल में बहुत सारे चीज़ें होते रहते थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मतलब एक एक खंभा इतनी बारीकी से बना हुआ है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये मेहंदी का कोई अच्छा सा डिजाइन है। तो बहुत ही आप देख सकते हो वीडियो में कितनी खूबसूरती है। और जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा था। मैं बहुत सारे महल देखा जो खंडल हो चुके हैं, अब उतना रौनक नहीं रह गई है, बट इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई रहता नहीं है। इसमें लग रहा था ना कि राजा महाराजा आज भी यहीं पे बैठे हुए मिलेंगे। और यहाँ पे मैं घूम घूम के बहुत बारीकी से देख रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और पूरा हम लोगों को यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोगों ने घूमा था, तो हमें घूमने में एक घंटा लगा था जल्दी में। अगर कोई आराम से घूमता है, आराम से वीडियो बनाता है, तो भाई उनको तो एक डेढ़ दो घंटा भी लग सकते हैं, और ज़्यादा टाइम पास लोग करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इतने ठंडे ठंडे यहाँ पे हवा, मतलब एक हवादार महल था, बहुत ये अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया से, और ये हमारी बेटियां थक गई हैं दोनों, सीढ़ी से आ रही हैं धीरे धीरे करके, नैन्सी और संध्या दोनों। तो काफ़ी घूमते घूमते हम लोग चामुंडा देवी मंदिर से वापस, यहाँ इतना दूर आए, और यहाँ से चामुंडा देवी मंदिर जो से पैलेस से कितना 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, वहाँ से फिर मतलब काफ़ी सुबह से हम लोग चल ही रहे हैं। और ये हाथी घोड़े जो थे ना उनके आभूषण हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकले फ्रेंड्स। ये छोटा सा आज का ब्लॉग था, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।